या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत गेंदाबाई मोहनलाल लोढा, मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर, जिल्हा जळगाव. अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जवाहरलाल लोढा. धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बडा कोठा जामनेर, जिल्हा जळगाव. प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी जामनेर, जिल्हा जळगाव. वाणी के जादूगर, कलम के कलाधार, संसार के बेताब बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है परचा, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन. संसार समुद्र से तिराने वाले पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनिजी महाराज साहब के चरणों में नंदन वंदन अभिनंदन. मेरी अनंत आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन. सच कहती हूँ भक्तों, उद्धार हो जाएगा. सुमिरन करो चौथमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा. सुमिरन करो चौथमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा. राजा रानाओं की हस्ती झुकी है उनके आगे. चलते चलते मल जी का पार हो जाएगा. सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा. ऐसे गुरुदेव श्री सिंह के चरणों में कोटिश वंदन. ग्रेट प्रभु का ग्रेट ग्रेट प्रभु का ग्रेट जिन शासन. विदाउट मिल जाता है एडमिशन, विदाउट मिल जाता है एडमिशन. भौ रोगों का हो जाता है सक्सेस ऑपरेशन. भौ रोगों का हो जाता है सक्सेस ऑपरेशन. बेस्ट हो जाती है लाइफ कंडीशन. बेस्ट हो जाती है लाइफ कंडीशन. इन 8 दिनों में हमने कुछ किया या नहीं किया, पर इस दिमाग को क्या करना है, आइस फैक्ट्री एवं जुबान को शुगर फैक्ट्री जरूर बनाना है. वैसे भी बड़े मारासा आपसे चाहते हैं कि ना नोट चाहते हैं ना और चाहते हैं, ना और चाहते हैं ना और चाहते हैं. वो तो आपसे सिर्फ सपोर्ट चाहते हैं, वो तो सिर्फ आपसे सपोर्ट चाहते हैं. और जो आपके दिल में खोट छुपी हुई है, इन खोट को निकालना चाहते हैं, इन खोट को निकालना चाहते हैं. यदि आपने खोट निकाल ली तो आपका परुषण मनाना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा. इस वर्तमान के अंदर इस संसार का मंत्र किसी ने बताया है, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट. यह संसार का मंत्र है. क्या है? टिट फॉर टैट. यह संसार का मंत्र है. मिट्टी में सव भूयेसु, यह कौन सा किसका मंत्र है? मोक्ष में जाने का मंत्र है. इसलिए छोड़ो कपट और खटपट, इसलिए छोड़ो कपट और खटपट, तो मोक्ष मिलेगा झटपट, तो मोक्ष मिलेगा झटपट. आइए हम अंतगण सूत्र के माध्यम से महापुरुषों का वर्णन सुन रहे हैं. जिन महापुरुषों ने अपनी अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कर कौन से भोग को पाया है,
मोक्ष में अपना अंत करके मोक्ष में पहुंच गए हैं। ऐसी साधना कर करके, ऐसी साधना आराधना करके वह आगम के पन्नों में आकर के अपना सिद्धालय में क्या कर दिया है, वापस स्थान प्राप्त कर लिया है। किसी ने संगीत के माध्यम से बताया है, साधना हो साधना, साधना हो साधना, साधना हो साधक साध गए रे, साधना हो साधक साध गए रे, आगम के पन्नों पे ओ आए गए रे, आगम के पन्नों पे ओ आए गए रे, साधना ओ साधना, साधना ओ साधना। तो आइए, कल हमने शास्त्र वाचन के माध्यम से सुना था गस सुकमाल मुनि का, जो गस सुकमाल मुनि का ऐसा वाचन चल रहा था कि हमारे सुनकर क्या हो जाए, क्या हो जा रहे थे, रोंगटे खड़े हो देने वाला कथानक हम सुन रहे थे, रोंगटे रोम रोम हर्ष करने वाला भी क्या हो रहा था, ऐसा कथानक वाचन हमारे सामने चल रहा था और हम सुन रहे थे। आप लोग श्रद्धा पूर्वक क्या कर रहे हो, इस वाणी को जो आपको शास्त्र वाचन सुनाया जा रहा है, आप लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। अगर कोई सुनते अगर जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, सुनते हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा हो जाती है और निर्जरा भी हो रही है। ये लाभ है सत्संग का। किसका लाभ है ये लाभ? सत्संग का है। इस वक्त अगर सुनते अगर हमारे भाव उत्तम पहुंच जाए, भाव की उत्तमता में देव गति और मनुष्य का गति का बंध भी क्या हो जाता है, हो सकता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर शुद्ध भावना से, उच्चमता की भावना से अगर हम सुन रहे हैं, तो परमात्मा ने फरमाया है कि अगर सुनते मनुष्य गति और देव गति का भी क्या हो जाता है, बंधन हो सकता है। तो आइए, आपके सामने कल बताया गया था कि गस सुकमाल मुनि के सिर पर अंगारे रख दिए गए और वह अपने कर्मों को नष्ट कर कहाँ पहुँच गए, मोक्ष में पहुँच चुके थे। अब आगे क्या वर्णन आता है, आप बड़े ही श्रद्धा से सुने। तैनम से कन्ने वासुदेवे कल्लम पौप भयाए जाव जलंते नाहेन जाव विभूषिये हत्तिखंदवर गए सकोरट्टमल दामेनम छत्तेनम धरेज्यमानेनम सेवर चामराई उदद्धु पमनाहि महिया बड़ चंडग कर पह कर वंद परिखिते बारवयम नयरी मज्ज मज्जनम जेने वारा अरिठ नेमी तेने पहारत्यंगमनाये तयनम से कन्ने वासुदेवे बारवये नयरिये मज्ज मज्जनम गिनच्छमाने एकम पुरिसम पासै जुन्नम जरज्जायी रियदेहम जावकिलत्तम महि महालयाओ इठगरासियो एगमेगम इठगम गाहय बैया रत्तापहो अत्तो गिहम अनुपिवेशमानम पासैपसैता तैनम से कन्ने वासुदेवे तस पुरिसस अनुकंपनठाये हत्तिगंधवर गये चेव एगम इठगम गेन्नैता बैया रत्तापहो अत्तो गिहम अनुपेवसै तैनम कन्नेनम वासुदेवेनम एगाय इठगाय गैयाय समानिये अनेगहिम पुरिससहिम से महालाय इठगस राशि बैया रत्तपहो अत्तो करंसी अनुपविसिये। दूसरे दिन प्रभात में सूर्योदय होने पर श्री कृष्ण वासुदेव स्नानादि कर वस्त्र अलंकार पहने और फिर हाथी पर सवार हुए। उनके ऊपर उस समय कोरंट नाम वृक्ष के पुष्प से वृष्टित छत्र सुशोभित था। दाहिनी बाई और श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। वे अनेक सुवटों सहित द्वारिका नगरी में मध्य में सार्वजनिक मार्गों से होते हुए जिस ओर श्री अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान विराजमान रहे थे, उधर प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग में प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण ने एक अति ही वृद्ध जरा जीर्ण तथा जर्जरित तन वाले मनुष्य को देखा, जो उस समय एक बहुत भारी ईंटों के ढेर में से
एक एक ईंट उठाकर बड़ा कष्ट पाता हुआ बाहर से घर के भीतर रख रहा था। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह बेचारा वृद्ध इस प्रकार कष्ट पाते हुए इस विशाल ईंट के ढेर से एक एक ईंट करके कब तक घर में रख पाएगा। ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उन्हें उस वृद्ध पुरुष पर दया आई और हाथी पर बैठे बैठे ही उन्होंने उस विशाल ईंटों के ढेर में से एक ईंट उठाकर उसी मकान के पिछले हिस्से में जहां बाड़ा था वहां पर रख दी। अपने स्वामी श्री कृष्ण को इस प्रकार करते हुए देखकर उनके साथ जो सैकड़ों मनुष्य थे उन्होंने भी इसका अनुसरण किया। सभी ने एक एक ईंट उस ढेर में से उठाकर उस बाड़े में रख दी। इसी प्रकार श्री कृष्ण के एक ईंट उठाने पर उस बेचारे वृद्ध मनुष्य के बार बार चक्कर काटने का सारा कष्ट बात की बात में दूर हो गया। तैनम से कन्ने वासुदेवे बारवये नयरिये मज्जे मज्जनम निगच्छे निगच्छेता जैने व अर अरिठनेमि तेने हुआ गये हुआ गच्छेता जाव वंदे नमस्य वंदिता नमस्यता गये सुकमालम अनघारम अपसमाने अरम अरिठनेमि वंदे नमस्य नमस्यता वंदे नमस्यता एवं वयसी कही न मंते से मम सहोधरे कनिय से भाया गये सुकमाले अनगारे जन्नम अहम वंदामि नमस्यामि तयेनम अरह अरिठनेमि कन्नम वासुदेव एवं वयसी सह्येनम कन्ना गये सुकमालेनम अनगारेनम अपट्टो अट्ठे तयेनम से कन्ने वासुदेव अरहम अरिठनेमि एवं वयसी कहनम बनते गये सुकमालेनम अनगारेनम साह्ये अपनो अट्ठे। अर्थात तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य मार्ग से होते हुए जहाँ अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान विराज रहे थे वहाँ आए और उन्हें वंदना करके पश्चात अपने लघु भ्राता नव दीक्षित गज सुकुमार मुनि को वंदना करने के लिए इधर उधर ढूंढने लगे। जब उन्हें वहाँ उनका कहीं भी पता न लगा तब भगवान को वंदना करके वे बोले, भगवान मेरे छोटे सहोदर भाई जो नव दीक्षित गज सुकुमार अंगार कहाँ है, उन्हें मैं वंदना करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण गज सुकुमार अंगार ने आज अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। कृष्ण आश्चर्यचकित होकर पूछा, अगर भगवान गज सुकुमार अंगार ने एक ही दिन में अपना कार्य कैसे सिद्ध कर लिया। तेनम अर हरिट्टनेमि कन्नम वासुदेव एवं भयासी एवं खलु कन्ना गय सुकुमालेनम अनगारेनम मम कलम पुवावरन्न काल समयसी वंदे नमस्ते नमस्यता वंदिता नमस्यता एवं वयसी इच्छामिनम जाव वसभजितानम व्यरि तयनम तम गय सुकुमालम अनगारम एगे पुरिसे पासे पासेता असरुते जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्ना गय सुकुमालेनम अनगारेनम साहिये अपनो अट्ठे तयनम कन्ने से वासुदेव अरहम अरिठनेमिम एवं वयसी केशनम भन्ते से पुरी से अपत्य पत्य जाओ परिभज्जिये जैनम मम सहोदरम कनीय संभायरम गय सुकुमालम अनगारम अकाले चेव जीवियाओ ओवरोविये तयन अर अरिठनेमि कन्नम वासुदेव वासुदेव एवं वयसी मानम कन्ना तुमम तस्स पुरी सस्स पदोसवा वज्जायिम एवं खलु कन्ना तेनम पुरी सेनम गय सुकुमालस अनगारस साहिज्य दिन्ने। तत्पश्चात श्री अरिहंत ने अरिष्ट नेमी भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार फरमाया कि हे कृष्णा कल दोपहर के समय मुझे वंदना करने के लिए गज सुकुमार मुनि आए और गज सुकुमार मुनि ने अनगार ने यह अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं भगवान में भिक्षु की प्रतिमा अर्थात एक रात्रि का ध्यान शमशान में रहकर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जैसे तुम्हें सुख उपजे वैसी करो। तब वह गज सुकुमार अंगार स्मशान में जाकर ध्यानस्थ खड़े हो गए। उस समय उन्हें देखकर एक मनुष्य को बड़ा ही क्रोध उन पर आया। क्रोध के आवेश में उसने गिल्ली मिट्टी लाकर गज सुकुमार के सिर पर चारों तरफ एक पाल बांध दी। फिर खेर की अंगारे अग्नि के सदृश लाल सुर्ख धधकते हुए अंगारों को एक फूटे मिट्टी के बर्तन में लेकर उनके सिर पर उसने उड़ेल दिया, जिसे महाभयंकर वेदना हुई। इस वेदना को हंसते हंसते संभाव से सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में चले गए। इसलिए हे कृष्ण मैंने कहा कि गज सुकुमार अंगार ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। यह सुन कृष्ण बोले, भगवान मृत्यु को निमंत्रण देकर बुलाने वाला
और रज्जा ही ऐसा कौन दुष्ट मनुष्य है जिसने मेरे सहोदर लघु भाई को अकाल में ही इस प्रकार काल कौलित कर दिया है। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, उस मनुष्य के ऊपर क्रोध ना करो। उसने तो गस्सुकुमार अंगार को अपने पापों को समूल निर्मूल करने देने में विशो विश्वा सहायता पहुंचाई है। फिर ऐसे परम स्नेही पुरुष के साथ क्रोध का बर्ताव मत करो। मानो उपकारी के उपकार को ही धो बहाना है। कहनम बनते तेनम पुरुषेनम गयसुकमालस नम साहिज्य दिन तैनम अरह अरिठ नेमी कन्नम वासुदेव एवं वयसी से नूनम कन्ना ममम तुमम पाय वंदे हवम आगच्छमाने बारवतीय नयरिय एगम पुरिसम पाससी जाव अनुपविशे जानम कन्ना तुमम तस्स पुरिष सस्स साहिज्य दिन्ने एवमेव कन्ना तेनम पुरिसेनम गयसुकमालस अन्नगारस अनेक भवस्स यस सस संचियम कम्मम उदीरमानेनम बहुकम्मम निजरत्थम साहिज्य दिन्ने तैनम से कन्ने वासुदेव अरहम अरिठ नेमीम एवं वयासी सेनम बनते पुरिसे मय कहे जानिय वे तैनम अर अरिठ नेमी कन्नम वासुदेव एवं वयासी जैनम कन्ना तुमम बारव ये नयरिये अनुपविशमानम पासे तीयेव ठीय भयनम कालम करिसई तन्नम तुमम जाने जसी एसम न से पुरिसे। भगवान, उस मनुष्य ने गस सुकुमार को कैसी सहायता दी? उत्तर में भगवान ने फरमाया कि हे कृष्ण, जब तुम चरण वंदन के लिए मार्ग में आ रहे थे तो द्वारिका नगरी में तुमने एक वृद्ध पुरुष को ईट रखते हुए देखा। तुमने उस पर दया लाकर एक ईट उठा दी और उसे भीतर रख दी, जिससे तुम्हारे साथ वाले सभी पुरुषों ने एक एक ईट उठाकर रख दी। सब ईटें उसी समय शीघ्र ही अंदर रख गई। कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष को सहायता दी, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष ने भी गस सुकुमार अंगार को उनके अपने अनेक शत सहस्र अर्थात लाखों भवों में संचय किए हुए कर्मों की उदरना कर संपूर्ण कर्मों का नाश करने में बड़ी सहायता दी है। भगवान, उस मनुष्य को मैं कैसे जान पाऊंगा? भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जब तुम यहाँ से लौटकर द्वारिका में प्रवेश करोगे तो उस समय तुमको आते हुए देखकर वह मनुष्य वही रुक जाएगा और वही का वही भयभीत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बस उसे देखकर तुम जान लेना कि यह वही है, यह वही मनुष्य है जिसने मेरे लघु भ्राता के प्राण हरण किए हैं। तैनम से कन्ने वासुदेव अरम अरिठ नेमी मंदई नमस्य वंदिता नमस्ता जैनव आभिषेयम हत्तिरयनम तेनव उवागछे उवागछयिता हत्तिम दुरई दुरयिता जैनव बारवये नयरी जैनव सयगिये तेनव पाहरतन गमनाय तैनम तस्य सोमिल सोमिल महानस कल्लम जाव जलंते अयमायारुवे अजथिये समुपने यम खलु कन्ने वासुदेव अरम अरिठ नेमीम पायवंदिये निगये तम नायमेयम अरहया विनायमेयम अरहया सुयमेयम अरहया सिद्धमेयम अरहया भविष्य कन्नस्य वासुदेवस्य तम न नज्जयि न कन्ने वासुदेवे मम केन वि कुमारेनम मारिसहिति कट्टु भिये सयाओ गिहाओ पड़ि निखमय कन्नस्य वासुदेवस्य बारवयिम नयरीम अनुपविश मानस्य पुरोव सपख्यम सपड़ि दिनसीम अवमग्गाये। तदनंतर में कृष्ण वासुदेव अरिहंत अरिष्ट नेमी भगवान को वंदना कर अपने प्रधान जो गजरत्न अर्थात हाथी पर बैठ जिस ओर द्वारिका नगरी में अपने महल में थे उधर आ रहे थे। उधर सूर्योदय होने पर सोमिल ब्राह्मण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कृष्ण वासुदेव भगवान के चरण वंदन को गए हैं और भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। ये वे सब यह घटना कृष्ण को कह देंगे तो मुझे कृष्ण वासुदेव न मालूम किस मौत से मारेंगे। ऐसा विचार उत्पन्न होने पर वह सोमिल ब्राह्मण भयभीत होकर अपने घर से निकला और एकाएक जिधर से कृष्ण वासुदेव आ रहे थे उनके समक्ष ही सन्मुख दिशा से शीघ्र आ निकला। तैनम से सोमिले महाने कन्नम वासुदेव सहसा पासेत्ता भिये ठीये यचेव ठी भेयम कालम करी धरणी तलंसी सवगहिम दसंती सनिपड़िये तैनम से कन्ने वासुदेवे सोमिलम महानम पाईस पाईस ता एवं वयसी एसनम भो देवानुपिया से सोमिले महाने अपत्य पत्तिये जाओ परिभज्जिये जैन मम सोहरे कनियसे बाहरे गये सुकुमारे अनगारे अकाले चेव जीवियाओ ववरविये ती कट्टु सोमिलम महानम पानेहिम कड़ावित्तिम कड़ावित्ता तम भूमिम पानीयेनम अबखो वायी ता जानेव सहे घिये तेने वो उवा गए
स्वयं गीयम अनुपविठे एवं खलु जम्बु स्वनेनम भगवय जाव संपत्तेनम अठम संगस अंतगढ़ दशानम तच्चस्य वग्गस अज्जयम अज्जयनस्य अयमठे पनत्ते। उसके बाद वह स्वमीन ब्राह्मण सम्मुख आते हुए श्री कृष्ण वासुदेव को एकाएक देखकर डरा और उसके पांव वहीं रुक गए। वह आयुष्य क्षय के कारण वही का वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। धड़ाम से वह भूमि पर आ गिरा। भूमि पर पड़े हुए उस स्वामी ब्राह्मण के शव को देखकर कृष्ण वासुदेव बोले कि वह यह वही मृत्यु को चाहने वाला लज्जा रहित सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे छोटे भाई गस सुकुमार अनगार को अकाल में ही काल को ग्रास बना डाला। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के शव को शहर के बाहर नगरी के बाहर उन्होंने फिकवा दिया जहाँ उसका शव गिरा था। वह उस भूमि को जल से शुद्ध करवाया अर्थात जल का छिड़काव किया। फिर वहाँ से चलकर अपने राजमहल में कृष्ण वासुदेव आए और आनंद पूर्वक राज्य करने लग गए। हे जम्बू महावीर प्रभु ने अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग के आठवें अध्ययन में यही वर्णन किया है। इस प्रकार यह आठवां अध्ययन समाप्त आपके सामने आठवां अध्ययन समाप्त हुआ है। अब जो आगे नौवां अध्ययन आपके सामने यानी नौवां वर्ग आपके सामने चल रहा है उसका वर्णन चलेगा। गत सुकुमार का वर्णन पूर्ण हो चुका है। जब अंतगढ़ सूत्र में अभी अभी आपने गत सुकुमार के बारे में सुना और गत सुकुमार का वर्णन सुनते सुनते हमें क्या होता है अत्यंत दुख दर्द महसूस होता है। अब पांचवें वर्ग में द्वारिका नगरी के अंदर कैसे द्वारिका नगरी का नाश होता है उसका वर्णन आपके सामने आएगा। ये चौथे वर्ग में भी हम सुन लेंगे कि आर्य जम्बू स्वामी अपने परम उपकारी आर्य सुधर्मा स्वामी गुरुदेव सुधर्मा स्वामी के चरणों में उपस्थित हुए उन्हें वंदन नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु आनंद आ रहा है आपके मुख से आपके गुरुदेव की सुनाई हुई बातों को सुनकर अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस आनंद को मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। आपकी अनंत कृपा मुझे जो आगम का अमृत पिला रही है ये पूरा का पूरा आगम का अमृत मेरे आत्मा को छू रहा है और उस अमृत पान का जब मैं अनुभव करता हूँ उस वक्त जितनी दिव्यता सच्चिता आनंद परम आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को मैं बयां नहीं कर सकता। मैं आपका किस रूप में ये उपकार ऋण चुकाऊंगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवान मैं जिज्ञासा की प्यास अर्पित करता हूँ और आप समाधान का अमृत तुरंत दे देते हो मेरी प्यास को जो तुम शांत कर रहे हो लेकिन और देखिए आप जितना मुझे समाधान दे रहे हो मेरे जिज्ञासा को जितना शांत कर रहे हो मेरी जिज्ञासाएं और बढ़ती जा रही है। अद्भुत है ये जिन शासन अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग में क्या भाव फरमाए सो फरमाने की कृपा करें। अपने शिष्य की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू भगवान अरिष्ट नेमी के विचरण काल में चौथे आरे में काल में जो काल है वो आ रहा है। समय कौन सा है जिस समय इस धरती पर अरिहंत अरिष्ट नेमी परमात्मा विचरण कर रहे थे उस समय को हम समय कहते हैं। काल आरा समय जिस महापुरुषों का वर्णन चल रहा है उनकी उपस्थिति के वक्त क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ उसका वर्णन चल रहा है। नवमस्त उख्योयम खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवती नैरिये झा पड़मय जा वीरई तथनम बारवये नैरिये बलदेवे नामम राय होता वन्नव तस्सनम बलदेवस्य रन्नोधारिणी नामम देवी होता वन्नव तयनम साधारिणी सीयम सुमिने झा गोय में नवरम सुमुहे नामम कुमारे पन्नासम कन्नाओ पन्ना सदाओ चौदस्य पुवाईम अरिजय विषम वासाई परियाओ से सम तम चेव जाओ से तुंजे सिद्धे निखेओ एवं दुमये वि कुवधारय वि दोन्ने वि बलदेव पिता धारिणी सुया दारुने दारुये वि एवं नेव चेव नवरम वासुदेव पिया धारिणी सुये एवं अनादिट्टी वि वसुदेव पिया धारिणी सुये एवं खलु जम्बु सम्ने न जाव संपत्तेनम अठम संगस अंतगढ़ दशानम तचस्य वग्गस तेरसमस्य अज्जयनस्य अयमठे पनत्ते।
जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि हे भगवान, आठवें अध्ययन में जो वर्णन श्री महावीर स्वामी ने किया है उसको फरमाकर आपने मुझ पर महाकृपा करी। आप कृपा करके यह फरमाए कि नवे अध्ययन में श्री महावीर स्वामी के द्वारा क्या फरमाया गया है। श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी से कहा कि हे जम्बू, सुनो, उसी काल में एक द्वारिका नगरी थी जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। उस द्वारिका नगरी में बलदेव महाराज अपनी प्राप्त जागीरी पर सानंद आधिपत्य करते हुए निवास करते थे। उनकी धारिणी नामक एक परमा आज्ञाकारिणी रानी थी। एक दिन उसी धारिणी रानी को शैया में सोते हुए पिछले रात्रि में सिंह का स्वप्न दृष्टिगोचर हुआ। वह सजग हुई, अपने पति देव से स्वप्न का जिक्र किया। सूर्योदय होने पर स्वप्न कल स्वप्न फल के विशेषज्ञों से स्वप्न का महाफल पूछवाया गया। यह भी बालक का जन्म, बाल्यकाल आदि सब गौतम कुमार की भांति ही समझ लेना चाहिए। विशेष केवल इतनी है कि उनकी माता का उनका नाम सुमुख कुमार रखा गया था। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर 50 कन्याओं के साथ उसका विवाह किया गया। वधु पक्ष की तरफ से गृह संबंधी अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त दहेज में 50-50 करोड़ का नगद धन भी प्राप्त हुआ। कुछ समय के पश्चात भगवान अरिहंत अरिष्ट नेमी लोक कल्याण के हेतु ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वहाँ पधारे। उनका उपदेश श्रवण कर सुमुख कुमार के मन में संसार के प्रति उपराम हो आया। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर वे भी दीक्षित हुए। थोड़े ही काल में उन्होंने 14 पूर्व का ज्ञानाभ्यास किया, 20 वर्ष पर्यंत चारित्र का पालन किया। अंतिम समय में संतारा करके शत्रुंजय पर्वत पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने सिद्धत्व को अपने अधीन किया। इसी प्रकार बलदेव राजा के पुत्र और धारिणी के अंगद दुर्मुख कुमार और कुपुदारक कुमार ने भी दीक्षा धारण कर अंतिम समय में संतारा करके सिद्ध पद को प्राप्त किया। वसुदेव के पुत्र तथा धारिणी के अंगज दारुक कुमार और अनादृष्टि कुमार, इन दोनों ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की और मोक्ष में पदार्पण किया। इस प्रकार हे जम्बू, अंतगण सूत्र के तृतीय वर्ग के 13 अध्ययनों में भगवान महावीर प्रभु ने ऐसा ही वर्णन किया है जो मैंने तुम्हें कहा सुनाया है। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेन अट्ठमसंग संतगण दशानम तच्चस्स वग्ग सायमट्टे बनत्ते चौथस्स नम भन्ते वग्ग संतगण दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे बनत्ते एवं खलु जम्बु समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस्स वग्ग संतगण दशानम दस्स जैन पनत्ता तम जा जाली मयाली उवयाली पुरुष सेने य वारि सेने य पज्जुन संभ अनुरुद्धे सच्च नेमी य डड नेमी जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेन चौथस्स वग्ग सदस अज्जैन पनत्ता पणमसनम भन्ते अज्जैनस समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते यं खलु जम्बु तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवये नामम नैरियोत्ता झा पड़मे कन्ने वासुदे आहे वच्चम जाव वीरे। फिर जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर श्री प्रभु जो मुक्ति में पधारे, उन्होंने आठवें अंग श्री अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग में जो विषय वर्णन किया है उसे मैंने आपके श्री मुख से श्रवण कर लिया है। हे भगवान, अब अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा विषय तथा कौन सा कथन किया गया है उसे कहने की कृपा करें। जम्बू, लो सुनो, अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग में चतुर्थ वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। वे 10 अध्ययन इस प्रकार है: जाली मयाली वाली पुरसेन वारिसेन प्रदुम्न श्याम अनिरुद्ध सत्यनेमी दृढ़नेमी, इन 10 कुमारों के नाम इस 10 अध्ययन में है। हे भगवान, प्रथम अध्ययन का क्या मतलब है? जम्बू, उस समय जो द्वारिका नामक एक परम सुंदर नगरी थी और जिसका वर्णन पहले हम कर चुके हैं, वहाँ श्री कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। तथनम पार्वती नैरे वसुदेव राया धारिणी देवी वन्नो झा गोयम नवरम जाली कुमार पन्नासो दाओ बारसगी 1600 परियाओ सेसम झा गोयम असल जाव सेंतुजे सिद्धे एवं मयाली उवयाली पुरुषेनयम वारिसेनियम एवं पज्जुने वीति नवरम कन्ने पिया रूपिणी माता एवं संभे नी नवरम जम्बवई माता एवं अनुरुद्धेवी नवरम पज्जुने पिया वेदभी माता एवं सच्चनेमी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माता
यम धरणे में भी सवे एक गमा चौतस वगस लिखे हो। उस द्वारिका नगरी में वसुदेव नामक एक राजा अपने अधीन के ग्रामों पर आधिपत्य रखते हुए निवास करते थे। उनके धारिणी नामक आज्ञाकारिणी एक रानी थी। स्वप्न के 9 मास व्यतीत होने पर धारिणी ने एक पुत्र रत्न को पैदा किया। यौवन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह संपादन किया। दहेज में भी पर्याप्त धन अर्थात 50-50 करोड़ सोने की रकम उन्हें प्राप्त हुई। किसी दिन भगवान का उपदेश श्रवण कर वैराग्य का वेग उनके हृदय में उमड़ पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप उन्हीं से दीक्षा भी उन्होंने ली। 12 अंग शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन इन्होंने किया। 16 वर्ष पर्यंत चारित्र का पालन कर अंतिम समय में गौतम कुमार की भांति इन्होंने भी संतारा ग्रहण किया तथा शत्रुंजय पर्वत पर से निर्वाण पद को प्राप्त किया। इसी प्रकार मयाली उवयाली पुरुषसेन और प्रद्युम्न कुमारों का वर्णन भी समझना चाहिए। भेद केवल इतना ही है, फर्क केवल इतना ही है कि इनके माता पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मणी था। इसी तरह श्याम कुमार ने भी दीक्षा धारण की। इनके पिता तथा माता क्रमश कृष्ण और जामवती थे। अनिरुद्ध कुमार ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की। इनके पिता प्रद्युम्न और माता वैदर्भी थी। सत्यनेमी और दृढ़नेमी इन दोनों कुमारों के दीक्षा ग्रहण का विधान इसी प्रकार का था। इनके पिता का नाम समृद्ध विजय और माता का नाम शिवा देवी था। इन सभी कुमारों की शिक्षा दीक्षा आदि का क्रम प्राय सर्वत्र एक ही सा था। हे जम्बू, चौथे वर्ग में यो नौ इन 10 अध्ययनों का वर्णन किया गया है जो मैं तुझे सुना चुका हूँ। पंचम वर्ग आपके सामने शुरू हो रहा है। जैनम भन्ते समनेनम जा संपत्यनम चौथस्य वग्गस अयमठ्य पनत्ते पंचमस्यनम भन्ते वग्गस अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्यनम के अठ्य पनत्ते यम खलु जम्बु समनेनम जाव संपत्यनम पंचमस्य वग्गस दशस्य जैना पनत्ता तम झा पौमावय्य गौरी गंधारी लखन सुसीमाय जम्वई सच्चभामा रूपिणी मूलसिरी मूलदत्तावी जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्यनम पंचमस्य वग्गस दशस्य जैना पनत्ता पड़मस्तनम बनते अजयन से समनयनम जाव संपत्यनम के अठे पनते। हे भगवान, अंतगण सूत्र के चौथे वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने जो वर्णन किया उसे आपके पवित्र मुखरविंद से मैंने अपने कानों के द्वारा सुन लिया। आप कृपा कर ये बताइए कि 5वें वर्ग में भगवान ने किस विषय का वर्णन किया है। जम्बू, 5वें वर्ग में 10 अध्ययन है। वे 10 अध्ययन इस प्रकार हैं: पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री, मूलदत्ता। इन 10 रानियों का 10 अध्ययन है। हे भगवान, 10 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में किस विषय का वर्णन किया है वह कृपा करके आप मुझे समझाइए। देखिए, 5वें वर्ग के अंदर ऐसे रानियों का वर्णन आता है कि जिन नारियों ने इतिहास के पृष्ठों के अंदर क्या किया है, अपना नाम लिखवाया है। तो नारी का मतलब होता है, नारी को कहा जाता है लेडी भी कहा जाता है, महिला भी कहा जाता है और स्त्री भी कहा जाता है। देखिए नारी के कितने शब्द हैं हमारे अंतर्गत सूत्र में। इस अंतर्गत सूत्र का यही है कि इस सूत्र में राजकुमारों का, गाथापति का, सेठ साहूकारों का हमने वर्णन सुना है। अब 5वें वर्ग में हम देखेंगे कि नारियों का, रानियों का वर्णन। ये एक ही शास्त्र ऐसा है कि इसमें चारों बातों का वर्णन क्या होता है, चारों बातों का वर्णन आता है। नारी किसे कहते हैं, महिला भी किसे कहते हैं। महिला यानी क्या, जो मही को हिला दे उसे क्या कहते हैं, महिला कहते हैं। नारी जिसका कोई शत्रु नहीं, नारी का मतलब क्या होता है बंधुओं, जिसका कोई शत्रु नहीं। और इंग्लिश में नारी को क्या कहते हैं, लेडी। लेडी कितने शब्दों से बना हुआ है, 4 शब्द से, LADY। एल यानी लव, यानी प्रेम प्यार। हमेशा नारी क्या करती है, लेडी क्या करती है, प्रेम प्यार से अपने परिवार के अंदर बोलती है और रहती है। ए यानी एडजस्टमेंट, जिस लेडीज में ये शब्द हमें क्या संदेश देता है लेडीज का, कि जो हमेशा
संसार के अंदर, परिवार के अंदर क्या करती रहती है, एडजस्टमेंट करती रहती है, जो हर समय समझौता करती रहती है। डी यानी ड्यूटी, क्या करती है, डी यानी हमेशा वो अपनी ड्यूटी अपने कार्य के लिए तन मन क्या कर देती है, लगा देती है। और वाई, वाई का मतलब ई भी होता है, ई यानी इल्ड यानी संगठन, वह संगठन बनाए रखना, मिलकर रहने में इसे क्या करती है, वह अपना आनंद मानती है। तो इस प्रकार नारी का मतलब ऐसा होता है कि नारी के अंदर कितने गुण होते हैं वह आपको तो अभी बड़े मार्सा के प्रवचन से आपको सुनने को मिलेगा ही। तो आगे का वर्णन हमारा चल रहा है, इस तरह इन 10 रानियों ने कैसे कैसे कार्य किए, क्या क्या किया, तो अब इस अंतर्गत सूत्र के माध्यम से सुनेंगे। हे भगवान, इन 10 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में किस विषय का वर्णन किया, वह कृपा करके आप मुझे समझाइए। यम खोले जम्बु तेनम कालेनम तेनम समयनम बारहवे नामम नहरी होता जा पड़मे जाओ कन्या वासुदेव आहे बच्चम जाओ भी रही तस्नम कन्नसु वासुदेव स पौमा वही नामम देवी होता वन्नव तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहरी टनेमी समोसरे जाओ भी रही कन्ने निग गए जाओ पजवासाई पजवा वासई तैनम सा पोमा वही देवी इमी से कहा है लद्दट्टा समानी हट्ट तुट्ट जहा देवी जाओ पजवासाई तैनम और अरिठ नेमी कन्नस वासुदेव स पोमावती देवी जाओ धम्म का परिसा पड़ी गया तैनम से कन्ने वासुदेव अरहम अरिठ नेमी मंदई नमस्ई मंदिता नमसिता यौम ऐसी इमी से नम बनते बारवती नयरिये दुआलस जोयन आयम आया जाओ पच्चकम देवलोकों को आए कि मूल आए विनाशे भविष्य कन्ना ही अरहम अरिठ नेमी कन्नम वासुदेवम एवं वयसी यम खलु कन्ना इमी से बारवती नयरिये दुवालस जोयन आयामाये नव जोयनम जाव सचक्कम देवलोक भूयाये सुरग दिव दिववायन मुलाये विनाशे भविष्य। हे जम्बु, इस प्रकार उस काल में जो द्वारिका नामक एक परम सुंदर नगरी थी वहाँ कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। इस नगरी और राज्य का विशेष वर्णन पहले हो चुका है। उन कृष्ण वासुदेव की पद्मावती नामक एक परम आज्ञाकारिणी रानी थी। उस अवधि में किसी एक दिन अरिहंत अरिष्ट नेमी भगवान भी विचरण करते वा पधार गए। कृष्ण श्री अरिष्ट नेमी की सेवा में उपस्थित हुए, उधर उनकी रानी श्री पद्मावती को भी प्रभु के आगमन का सुसंवाद श्रवण कर बड़ी प्रसन्नता हुई और वह भी प्रभु की सेवा में आ उपस्थित हो गई। भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव पद्मावती रानी तथा उपस्थित जनता आदि को अपनी पीयूष वर्षणी वाणी के द्वारा उपदेश प्रदान किया। धर्म कथा श्रवण कर जनता अपने घरों में लौट गई, परंतु कृष्ण वासुदेव भगवान को वंदना करके बोले कि हे भगवान, 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी। इसका मतलब क्या हुआ, उस द्वारिका नगरी कितनी बड़ी लंबी चौड़ी थी, 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी, ऐसी वह द्वारिका नगरी थी। और आज के समय में उसको कहा जाएगा कि जैसे बताया है कि 9 योजन चौड़ी यानी 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी, तो 12 योजन लंबी यानी उसका क्या हुआ, मतलब 94 किलोमीटर लंबी। जैसे आपके यहाँ से जामनेर और जलगांव कितना होगा, 25 किलोमीटर होगा, तो ऐसी वह द्वारिका नगरी 94 किलोमीटर लंबी थी और 72 किलोमीटर क्या थी, चौड़ी थी। आज की वर्तमान की भाषा में ऐसा बोला जाएगा, जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है और जिसको देखने के लिए क्या होते थे, देवलोक के देवता भी क्या होते थे, आते थे। आपने देखा होगा कि इस मतलब आर्य के अंदर अरिष्ट नेमी समय के अंदर, अरिष्ट नेमी भगवान के समय के अंदर एक द्वारिका नगरी और एक कौन सी नगरी सोने से बनी हुई थी, कौन सी नगरी सोने से बनी हुई थी, एक लंका और एक द्वारिका नगरी। जो देवों ने उस द्वारिका का क्या किया था, निर्माण किया था, और उस लंका का भी क्या किया था, निर्माण किया था। आज वर्तमान में हम देखते हैं आप बड़े बड़े बंगले बड़े बड़े भवन बनाते हो तो मजदूरों को लेकर क्या करना पड़ता है, उस भवनों को उस मकान को उस बंगलों को क्या करना पड़ता है, मजदूर के बिना वो भवन और मकान बंगले नहीं बन सकते हैं। लेकिन देखिए वो कितनी पुण्यशाली नगरी होगी जो बिना कारीगर से बिना मजदूरों से किन्होंने बनाई, वह देवलोक के देवता आकर इंद्रों ने क्या करी, उस नगरी को
जहाँ अभी आप वर्तमान में जिसको श्रीलंका कहते हो, वह लंका नगरी और कौनसी द्वारिका नगरी, जिसको हम सोने की लंका कहते हैं, और द्वारिका नगरी भी देवलोक के देवताओं ने क्या करके आकर बनाई। सदृश इस द्वारिका पुरी का विनाश किस प्रकार और किस कारण होगा? उत्तर में भगवान अरिष्टनेमि ने फरमाया कि हे कृष्ण, तुम्हारे कौटुंबिक कुमारों की हरकतों से रुष्ट होकर देवपायन ऋषि अग्नि कुमार देव बनेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हारी इस 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी देवलोक के सदृश मनोहर द्वारिका नगरी का विनाश होगा। तैनम कन्नस वासुदेवस्य अर्हवारिठ नेमिस अंति यम अठ सोचा अयमारुए अजिथ्य समुपन्ने धनानंते जाली मयाली उयाली पुरिस सेनम वारिसेनम पज्जुना संभ अनिरुद्धम दड़ नेमि सच्च नेमि पबियो कुमारा जैनम जैनम चिच्चा हिरनम जाओ परिभायता अरिठ नेमिस अंत्य मुंडा जाओ पवया अहनम अद्दने अक्कय पुण्य रज्जय जाओ अंत्युरे मानुष्येषु य कामो भोगेषु मुच्छे न संचाय में अरो अरिठ नेमिस अंत्य जाओ पवित्र कन्नाय कन्नाय अरा अरिठ नेमि कन्नम वासुदेव यम वयसि सेनम नूनम कन्ना तवम अयम अजिथे समुपने धनानम ते जाली जाव पवित्र से नूनम कन्ना अयमठे समठे हंता हति। तत्पश्चात श्री अरिहंत अरिष्ट नेमि प्रभु के समीप यह अर्थ सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि जाली मयाली पुरुषसेन वारिसेन प्रदुम्न साम अनुरुद्ध दृढ़नेमि सत्यनेमि आदि कुमारों को धन्य है जिन्होंने अपनी देव दुर्लभ संपत्ति को छोड़कर अरिष्ट नेमि प्रभु के शरण में आकर दीक्षा धारण की, परंतु मैं महान अभागा हूँ। कौन सोच रहा है ऐसा? कृष्ण भगवान वासुदेव कृष्ण सोच रहे हैं कि ऐसे 10 राजकुमारों ने भगवान के समीप दीक्षा ली, लेकिन मैं अपने आप को वह कृष्ण वासुदेव क्या कर रहे हैं? धिक्कार रहे हैं कि मैं महान अभागा हूँ, मैंने पूर्ण पुण्य उपार्जन नहीं किए है, जिसमें मैं राज्य और अंतपुर तथा मनुष्य संबंधी काम भोगों में निमग्न हो रहा हूँ। मैं श्री अरिष्ट नेमि भगवान की शरण ग्रहण कर दीक्षा धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार कृष्ण को चिंतातुर देखकर भगवान ने उन्हें संबोधित करके कहा कि हे कृष्ण, वासुदेव तुम्हें इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ है कि जाली आदि कुमारों को धन्य है। कृष्ण बोले, हाँ प्रभु, मेरे हृदय में यह विचार अवश्य उत्पन्न हुआ है। तनम खलु कन्ना तम एवं भूयम वा भवम वा भविष्य वा जन्नम वासुदेव चैत हिरण्यम जाव पविष्यन्ति से केनठेनम बन्ते एवं उच्चै न एवं भूयम वा जाव पविष्यन्ति कन्नाई अरह अरिठनेमि कन्नम वासुदेव एवं वयसी एवं खलु कन्ना सव्य वियनम वासुदेवा पूर्व भवे नियान कड़ा से एन अठेनम कन्ना एवं उच्चै न एवं भूयम एवं भूयम जाओ पविष्यन्ति। हे कृष्ण वासुदेव, अपनी संपत्ति को छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ले, ऐसा न तो कभी हुआ है, न होता है और न कभी होगा। भगवान ऐसा क्यों? भगवान ने इसके उत्तर में कहा, हे कृष्ण, सभी वासुदेव पूर्व भव में क्या करते हैं? नियाना कर लेते हैं। उसी के प्रभाव से हे कृष्ण, वासुदेव कभी भी दीक्षा अंगीकार नहीं करते हैं। तैनम से कन्ने वासुदेव अरहम अरिठ नेमि यम वयसी अहनम बनते यो कालमासे कालम किच्चा कहिम गमिससी कहिम व वजिसामी तैनम अरह अरिठ नेमि कन्नम वासुदेवम यम वयसी यम खलु कन्ना तुमम बारवये नयरिये सुरधि वायन कुमार कोव निदड़ाए अम्मा पी निय नियग विपुहने रामेन बलदेवेन सद्यम दाहीन व्यालिम अभि मुहे ज्योठल पामुखानम पंचनम पड़वानम पंडुराय पुत्तानम पासम पंडुमहुरम संपत्ति कोसम भवन कानने नगोहवर पाय वस हय पुड़ी पुड़े विशाल पट्टये पियवत्थ पच्छाय शरीरे जरा कुमारनम तिथे केनम कोदंड विपुमुखेनम इसुना वामे पाय विद्ये समाने कालमासे कालम किच्चा स्तच्चाय वालुय पबाय पुड़विये उज्जलिये नरहे नेरियताय उवज्जयंसि। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव ने श्री अरिहंत अरिष्ट नेमि प्रभु से इस प्रकार पूछा कि हे भगवान,
मैं यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके कहाँ जाऊँगा तथा कहाँ उत्पन्न होऊंगा। उत्तर में प्रभु ने फरमाया कि हे कृष्ण, एक दिन यह द्वारिका नगरी अग्नि कुमार देवताओं में जन्म लिए हुए देपायन ऋषि के कोप से नष्ट हो जाएगी। उस समय माता पिता और स्वजनों से रहित होकर तुम अकेले बलदेव जी के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठर आदि 5 पांडवों के निवास स्थल पांडु मथुरा की ओर प्रस्थान करते हुए मार्ग में कौशंबी नगरी के निकटस्थ वनखंड में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे पीले वस्त्र से शरीर ढककर पृथ्वी के एक उपल खंड पर बैठोगे। उस समय जयराम कुमार के द्वारा चलाया हुआ तीक्ष्ण बाण तुम्हारे बाएं पांव में लगेगा और तुम आयुष्य पूर्ण करके जहाँ तुमने आयुष्य का बंद किया है वहाँ आप क्या हो जाओगे, चले जाओगे। तैनम कन्ने वासुदेव अरा अरिठ निमिषंति यमट्ट सोचा निसम ओह जाओ जियाई जियाई कन्नाए अरा अरिठ नेमि कन्नम वासुदेव एवं वयसी मानम तुमम देवानुपिया ओह जाओ जियाई एवं खुलु देव तुमम देवानुपिया तच्चाओ पुड़िवीय उज्जालियाओ अनतरम वठिता इहेव जम्बू दिवे भारे वासे आगम शेषाए उसपिनिये पुंडेशु जन वयसु सयद्वारे बार समय अममे नामम अरह भविष्यसि तथ तुमम बुहई बहुई वासयम केवली केवली पारियायम पौनेत्ता सिज्यंसि। तदनंतर वे श्री कृष्ण वासुदेव श्री अरिहंत अरिष्ट नेमी के द्वारा यह बात सुनकर बड़ी गंभीर विचार सागर में गोते खाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके बोले कि हे कृष्ण, तुम किसी भी प्रकार का कोई भी विचार मत करो। वहाँ से निकलकर इसी जम्बूद्वीप के भरे क्षेत्र में भविष्य में उस सर्पनी समय में पुंड देश के अंतर्गत शतद्वार नामक नगर में तुम अमम नामक 12वें तीर्थंकर होंगे। वहाँ तुम बहुत वर्ष तक केवली पर रह पालन कर सिद्धि प्राप्त करोगे। तैनम से कन्ने वासुदेव अरो अरिठ नेमिस अंति ये मठ सोचा निश्चय हट्ट तुट्ट अपोड़ेता बग्गई बग्गईता तिवई छिंदई छिंदईता सिय नायम करी करीता अरहम परिठ नेमी मंदई नमसई नमसईता मंदिता नमसिता तमेव अभिषेकम हतिरयनम दुरुहई दुरईता जेनेव बारवई नयरी जेनेव सिये सय गिये तेने उवा गये अभिसिह हत्तिय रयनाव पंचरई पंचरईता जेनेव बहारिया उठन साला जेनेव सय सियासने तेव अवगछय अवगछयता सियासन वरंसी पुरत विमुए निशिहेता कौंडुम्बिय पुरिसे सदावे सदवेत्ता यौं वयसी। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव श्री अरिहंत अरिष्ट नेमी भगवान के मुंह से इस अर्थ को सुनकर तथा हृदय गम करके बड़े ही प्रसन्न हुए और फटकार कर एक मल्ल की भांति अपना पदन्यास करके खड़े हो गए। तब सियनाथ कर भगवान को वंदना करके पश्चात वे हाथी पर बैठे और द्वारिका नगरी की ओर जिधर अपने महल थे उधर आए। हाथी से उतरकर बाहर की सभा में जहाँ सिंहासन था वहाँ वे आए और पूर्व की तरफ मुंह कर सिंहासन पर जा बैठे। फिर सेवक पुरुषों को बुलाकर वे बोले, आगे अब जैसा भी वर्णन आएगा आपके सामने सुनाया जाएगा कि आज कृष्ण भगवान किसके वंदन करने गए थे, अरिष्ट नेमी भगवान को वंदन करने गए थे और वहाँ पर अपने मन के अंदर जो शंका समाधान था कि हे भगवान कि मैंने आज तक इतना राज्य किया ये किया और मेरे बेटे ने मेरे भाइयों ने वे कितने पुण्यशाली थे कि उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर जिन शासन का नाम गौरव किया है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को धिक्कार रहा हूँ भगवान कि मैं दीक्षा क्यों नहीं ले सकता हूँ। तब बताया कि जैसे वासुदेव भगवान ने क्या बताया कृष्ण भगवान को कि तुमने पूर्व भव में ऐसा नियाना किया था कि उस नियाना के वजह से तुम क्या नहीं कर सकते हो, दीक्षा नहीं ले सकते हो। तपस्या तो तुमने पूर्व भव के अंदर बहुत कर ली, लेकिन नियाना करने के वजह से तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो। आपने इस
इस स्वर्ग के अंदर कृष्ण भगवान और अरिष्ट नेमी के अंदर जो अरिष्ट नेमी ने भगवान श्री वासुदेव कृष्ण को जो सुनाया कि तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो, किसके कारण नहीं ले सकते हो, नियाना के कारण नहीं ले सकते हो, और जिस प्रकार तुम त्रिखंड का मैं मालिक बनूं, नियाना के अंदर उन्होंने क्या सोचा था कि मैं ऐसे त्रिखंड का मालिक बनूं, और चक्रवर्ती भी क्या सोचता है कि मैं भी छः खंड का राजा बनूं, वासुदेव तीन खंड का मालिक बनूं, तुमने अपनी तपस्या को क्या कर दिया था, दाव पर लगा दिया था, जिस तपस्या के बलबूते पर मुक्ति मिल सकती थी। तपस्या में ताकत तो है, नो डाउट, तपस्या कभी निष्प्रभावी नहीं होती है। तुमने बहुत ही बड़ी तपस्या की थी, तुम्हारी तपस्या की पूंजी थी और कुछ नहीं था आपके पास। अगर आपके पास 50 लाख रुपए है, 60 लाख रुपए है या 7 करोड़ है जेब के अंदर, आप उसमें से 10 करोड़ अभी बना सकते हो। क्या है आजकल वर्तमान के अंदर, अगर आपके पास 50 लाख की पूंजी है, 60 लाख की पूंजी है, 60 करोड़ की पूंजी है जेब के अंदर, तो आप उसमें और 10 करोड़ अभी भी बना सकते हो। लेकिन 7 करोड़ रुपए होते हुए भी आपके सामने अगर समझ लो एक गाड़ी खड़ी है, कीमत पूछी आपने कि इसकी कीमत क्या है, 7 करोड़ की है। आपने देखा मेरे पास भी 7 करोड़ है, सारी पूंजी आपके पास 7 करोड़ की है, सारी पूंजी देकर आपने मनचाही कार क्या कर ली, खरीद ली। लेकिन उसके पास तुम 1 किलो आटा भी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि जेब में जितने पैसे थे, जितनी आपकी प्रॉपर्टी थी, आपने उस गाड़ी लेने के लिए क्या कर दी, आपने ख़त्म कर दी। अब आपको खाने के लिए आटा चाहिए तो जेब के अंदर क्या नहीं है, आपके अंदर पैसा नहीं है, तो आप 1 किलो आटा भी खरीदना चाहो तो खरीद नहीं सकते हो। जब यही है, यही नहीं ख़त्म कर दिया, तुमको तपस्या के कारण वासुदेव का पद तो मिल गया लेकिन संयम नहीं मिल पाया। आज पता चला श्री कृष्ण को उसी का परिणाम है। इसलिए बार बार श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार एक ही शब्द दोहराया जा रहा था कि हे अर्जुन, तू कर्म तो कर, पर उस कर्म फल की क्या मत कर, इच्छा मत करना, क्या मत करना। अर्जुन को बार बार एक ही संदेश दे रहे थे कि अर्जुन तू कर्म तो कर, लेकिन उस कर्म की क्या मत कर, उस कर्म का फल या इच्छा मत कर। तो हम भी आपसे कहते हैं कि आप धर्म तो करो, पर ये मत सोचो कि धर्म के कारण मेरी दुकान तो चल जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे लड़के की शादी हो जाए। क्या छोटी सी चीज़ों को मांगते हो, ये घाटे का सौदा है, फायदे का नहीं है, फिर क्यों मांगते हो, बनिए होकर घाटे का सौदा। मेरा काम करवा दे, मैं छप्पर फाड़ के दे दूंगा, मेरा काम करवा दे। आप क्या करते हो मंदिर में जाकर कि हे भगवान, मुझे ऐसा छप्पर फाड़ कर इतना पैसा दे दो कि मैं शिखर बनाऊंगा, मैं तुझे चौवर ढुलाऊंगा, मैं तेरा तीर्थ बनाऊंगा। आपने कोई भी चीज़ मांग ली तो समझना आपका फल चला गया। तो इसी तरह भगवान अरिष्ट नेमी श्री कृष्ण वासुदेव से कह रहे हैं कि निदान करने वाले को क्या नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, अगर आप फल की आकांक्षा करोगे तो आपको फल नहीं मिल सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, नियाना बोलते हैं। तो वासुदेव, तू निदान करने वाला, वासुदेव पद मिलता है, संयम नहीं मिलता है, पता चल गया। तीसरा सवाल पैदा हुआ, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा। क्या हुआ, एक तो पहले नियाना का उन्होंने शंका का समाधान किया, और भगवान ने वो भी कहा कि जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा, मेरी मृत्यु कैसे होगी, कई होगी, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे ही परिवार के, तुम्हारे ही कुटुंबियों से तुम्हारी क्या होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, समय भी होने को आया है। अब कल क्या वर्णन आता है शास्त्र के अंदर, आपके सामने सुनाया जाएगा। आग में तिवे पनते तन जा सुत्तागम में अत्थागम में तदुभयागम में, इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अधिचार लगाओ तो अलम जम वैदम वच्चा मेलम हिनाखरम अचखरम पयहीनम विनहीनम जोगीनम गोसीनम सुट्टुदेनम दुट्टुपटचैनम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम
बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनाशना की तस्मिच्छामि दुखड़ा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुए सा जीवन मोम सा, धुए सा जीवन मोम सा, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बबूत लगाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ बबूत लगाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर तो हम बहुत गए, पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर तो हम बहुत गए, पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो, मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो, मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। तब सत पथ पर जन 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 का, तब सत पथ पर जन 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 का, चलना है
साधना पाना नहीं जीवन को बदलना है, साधना पाना नहीं जीवन को बदलना है, साधना धुए सा जीवन मोम सा, धुए सा जीवन मोम सा जलना है, साधना पाना नहीं जीवन को बदलना है, साधना पाना नहीं जीवन को बदलना है, साधना बदलना है, साधना। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँ, भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि प्रवादी राज पर्युषण की बहुत ही सुंदर भाव से आप आराधना कर रहे हैं, प्रतिक्रमण तपस्या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वह दिन भी निकट आ रहा है जिसमें हमें अपना लेखा जोखा करना है। हम जीवन में इस प्रवादी राज पर्युषण में एक संकल्प करें कि चारों तीर्थ में से साधु साधी श्रावक और श्राविका की किसी की निंदा न करे, किसी की बुराई न करे, किसको ऊपर नीचे न बताए, किसका विरोध न करे। अगर समभाव से रहेंगे तो अवश्य ही कर्मों का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। आपको विदित है जैन स्थानक के अंदर 8 दिन का पंच तीर्थंकरों का जाप चल रहा है और उसके पश्चात एक एक परिवार में जाप प्रारंभ होगा और उस जाप के अंदर 25-30 नाम मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो सभी भाई बहनों से, जामनगर एक धर्म नगरी है, महान नगरी है, मैं इस महान नगरी से एक अपेक्षा रखती हूँ कि आप अपना नाम तुरंत ही माँ सती जी के पास रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आप अपने घर के अंदर एक धर्म की ऊर्जा ला सकते हैं और कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अब हम अंत में भगवान की स्तुति कर लेते हैं। आप सभी एक आसन से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे और एक लंबी सांस ले, जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी सांस ले और उस सांस को धीरे से छोड़ें, और धीरे और धीरे। श्री आदि नेमिपारस महावीर शांति जिने चर हरियो पीर, श्री आदि नेमिपारस महावीर शांति जिने चर हरियो पीर, श्री निपारस महावीर शांति जिने शर हरियो पे, श्री आदि ने निपारस महावीर शांति जिने शर हरियो पे, श्री आदि ने निपारस महावीर शांति जिने शर हरियो पे, श्री आदि नेमिपा रस महावीर शांति जिने शर हरियो पे, श्री आदि नेमिपा रस महावीर शांति जिने शर हरियो पे, श्री आदि ने पारस महावीर शांति जिने शर हरियो पे, श्री आदि नेमिपारस महावीर शांति जिने शर हरियो पे। बोलिए पंच तीर्थंकर भगवान की जय। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ प्रवादी राज पर्युषण के लिए मेरी तरफ से एवं साधु मनल की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं।
आपकी भावना उच्चतम उच्च बने, इसी मंगल में कामना के साथ ओम शांति। मंगल पाठ ओम रीम सिम चिंतामणि पार्षाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम रीम सिम चिंतामणि पार्षाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम रीम सिम चिंतामणि पार्षाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम रीम सिम अरुम सिम जय सिद्धा विजय सिद्धा पते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम रीम सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम रीम सिम अरुम सिम जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम रीम सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम ब्रीम सिम अरुम सिम जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम रीम सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चत्तारि मंगलम नरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली मंगलम चतारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली पनतोमो लघुत्तमो चतारी शरणं पूजामि अरियंता शरणं पूजामि सिद्धा शरणं पूजामि साहू शरणं पूजामि केली पनतोमो शरणं पूजामि अरिहंत का शरणा सिद्ध का शरणा साधु जी महाराज का शरणा केवली परूपी दया धर्म का शरणा चार शरणा मंगल करना और शरणा निको जय भवि प्राणी आदरी तो अक्षय। बोलिए गसुकुहाल मुनि की जय। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत गेंदाबाई मोहनलाल लोढा मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर जिल्हा जळगाव, अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जवाहरलाल लोढा, धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बडा कोठा जामनेर जिल्हा जळगाव, प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी जामनेर जिल्हा जळगाव।